गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ये टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, ठीक है, क्लैट हो, ठीक है, डीएसएसबी, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस ज़रूर होते हैं। तो ब्लड रिलेशन में सबसे पहला चीज़ है कि इसकी बेसिक चीज़ें समझिएगा, और सबसे बेसिक यूनिट है कि आपको रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ब्लड रिलेशन के हर एक क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहला चीज़ है कि रिलेशनशिप क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरू करने से पहले कुछ रिलेशनशिप मैं यहाँ डिस्प्ले दिखा रहा हूँ। इस रिलेशनशिप को आप लोग सबसे पहले नोट डाउन करके रखेंगे, जिन लोगों को पता हो उसे तो कोई दिक्कत नहीं है, जिन लोगों को नहीं पता हो एटलीस्ट उसे नोट डाउन करके रखें और इन रिलेशनशिप को एक बार ज़रूर देख लें। जैसे देखिए, पहला रिलेशन बोल रहा है कि मदर्स और फादर्स डॉटर, मदर्स और फादर्स डॉटर यानी आपकी मम्मी या पापा की जो बेटी होंगी उनके साथ आपका क्या रिलेशन होगा। तो मदर्स और फादर्स डॉटर यानी आपकी मम्मी या पापा की बेटी यानी आपकी बहन होगी यानी सिस्टर। फिर बोल रहा है मदर्स और फादर्स फादर, ठीक है, मदर्स और फादर्स सन, अगर पहले बोला कि मदर्स और फादर्स सन, तो मदर्स और फादर्स सन यानी आपके मम्मी या पापा के बेटे जो होंगे उनके साथ आपका रिलेशन होगा, दैट इज ब्रदर, आपके मम्मी या पापा का बेटा यानी आपका भाई। मदर्स और फादर्स फादर, मदर्स और फादर्स फादर यानी ग्रैंडफादर। अब देखिए, अगर केवल ग्रैंडफादर हम बोलते हैं तो ग्रैंडफादर का मतलब दादाजी भी होते हैं और नाना जी भी होते हैं, बट अगर क्वेश्चन में मेंशन हो पैटर्नल ग्रैंडफादर, ध्यान रखेंगे, अगर मेंशन हो पैटर्नल ग्रैंडफादर, अगर मेंशन हो पैटर्नल ग्रैंडफादर इसका मतलब होता है दादाजी, अगर मेंशन हो मैटर्नल ग्रैंडफादर, मैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब होता है नाना जी। तो जहां भी पैटर्नल वर्ड जुड़े आप सारे रिलेशनशिप पापा के साइड से देखेंगे, जहां पे भी मैटर्नल वर्ड जुड़े सारे रिलेशनशिप मम्मी के साइड से देखेंगे, ठीक है। इसी तरह फादर्स ब्रदर, तो या तो अंकल या फिर पैटर्नल अंकल भी उसे बोलते हैं, मदर्स ब्रदर यानी मैटर्नल अंकल, सन्स वाइफ यानी आपके बेटे की वाइफ यानी आपकी बहू होगी यानी डॉटर इन लॉ, डॉटर्स हस्बैंड यानी आपका सन इन लॉ, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ सिस्टर यानी आपके हस्बैंड के सिस्टर या आपकी वाइफ की सिस्टर यानी सिस्टर इन लॉ इसको बोलते हैं। हिंदी में इसके लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे ननद के लिए भी सिस्टर इन लॉ, भाभी के लिए भी सिस्टर इन लॉ, साली के लिए भी सिस्टर इन लॉ, ठीक है, इन सब के लिए हम सिस्टर इन लॉ यूज़ करते हैं। फिर हस्बैंड और वाइफ ब्रदर यानी ब्रदर इन लॉ, साला, देवर, जेठ, इन सब के लिए ब्रदर इन लॉ होगा। ब्रदर और सिस्टर सन, आपके भाई या बहन का बेटा, दैट इज नेफ्यू। ब्रदर्स और सिस्टर्स डॉटर, दैट इज नीस। नेक्स्ट है अंकल और आंट, सन और डॉटर, यानी अपने ब्लड रिलेशन में छोड़ के, अपने भाई बहन को छोड़ के बाकी जितने तरह के भाई बहन होते हैं उन सबको कजन बोलते हैं। फिर ग्रैंडफादर और मदर्स फादर, यानी आपके ग्रैंडफादर के फादर या ग्रैंडमदर के मदर, यानी इसको बोलते हैं हम ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, या फिर ग्रैंडफादर और मदर्स मदर यानी ग्रेट ग्रैंडमदर, ठीक है। इसके बाद भी कुछ वर्ड लिखे रहते हैं, जैसे द ओनली सन ऑफ योर फादर, यानी आपके फादर का ओनली सन, आपके फादर का एक ही बेटा है, आपके फादर का एक ही बेटा है, दैट मीन्स वो आपके लिए पॉइंट कर रहा है, वो योरसेल्फ हो जाएगा। वाइफ ऑफ फादर, वाइफ ऑफ फादर यानी मदर, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशनशिप है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। अब देखिए, ब्लड रिलेशन में आप ये ध्यान में रखेंगे कि ब्लड रिलेशन में तीन टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं, अगर ये तीन टाइप आप कंप्लीट कर लें तो आपको फिर कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो तीन टाइप हैं आपके ब्लड रिलेशन में, ये पहला टाइप है, जो तीन टाइप आपको पढ़ना है ये है, सबसे पहला टाइप है कोडेड ब्लड रिलेशनशिप, सेकंड टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं ये है आपका पॉइंटिंग टुवर्ड्स पिक्चर क्वेश्चन, और थर्ड टाइप जो है ये रिलेशनल पजल। जो कोडेड ब्लड रिलेशन में अगर आप क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको दिखा होगा कि एक डायरेक्शन आपको दे देगा जिसमें देगा कि ए प्लस बी मीन्स इज मदर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स इज सिस्टर ऑफ बी, ए क्रॉस बी मीन्स, या फिर कोई भी अदर सिंबल को रिलेशनशिप में डिफाइन करेगा। इसके बाद आपको दे देगा कि ए प्लस बी क्रॉस सी माइनस डी में ए और डी के बीच में रिलेशन क्या है। अभी मैं क्वेश्चन लूंगा इसका, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये टाइप हम डिस्कस करेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन में। पॉइंटिंग टुवर्ड्स पिक्चर में आपको नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछता है इन जनरल क्वेश्चन, एक पिक्चर की तरह पॉइंट करके बोलेगा कि ये मेरे मदर के फादर के सिस्टर की डॉटर है तो उसका आपके साथ रिलेशन क्या है, ठीक है।
रिलेशनल पजल के क्वेश्चन में एक फैमिली के 6 या 7 लोग दे देगा, सभी का अलग अलग प्रोफेशन डाल देगा, अलग अलग ब्लड रिलेशन आपको उसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, प्लस अलग अलग प्रोफेशन, अलग अलग गेम्स, ये सारी चीज़ें आपको दे सकता है। तो ये मैं 3 पार्ट की वीडियो होंगी, ये 3 पार्ट में, पहला पार्ट में आप कोडेड ब्लड रिलेशनशिप पढ़िएगा, नेक्स्ट पार्ट में आप पॉइंटिंग टूवर्ड्स पिक्चर, और तीसरे टाइप में रिलेशनल पजल मैं डिस्कस करूँगा। तो आज हम लोग पहला टाइप डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कोडेड ब्लड रिलेशनशिप। देखिए क्वेश्चन के फॉर्मेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन में आपको लिख रखा है कि a प्लस बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, a माइनस बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी, a क्रॉस बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, a डिवाइड बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो सबसे पहला चीज ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो रिलेशनशिप है ये हर एक क्वेश्चन में चेंज होगा। यहाँ जैसे आपको प्लस माइनस क्रॉस और डिवाइड का साइन दिया है, इसकी जगह पे कोई भी अदर सिंबल दे देगा, हैश दे देगा, एट द रेट दे देगा, डॉलर दे देगा, और जो भी सिंबल देगा उसको सबसे पहले डिफाइन करेगा कि ये किस सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद इसी के बेस पे आपको 3-4 क्वेश्चन पूछेगा। मैं केवल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एल इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ ओ, यानी इसके बाद एक क्वेश्चन सिंपल आ रहा है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नीचे गिवन 4 ऑप्शन में ये किस ऑप्शन में ये शो हो रहा है कि एल और ओ के बीच में जो रिलेशन है वो एल दादाजी है ओ का। अब देखिए इस ये कोडेड रिलेशनशिप की क्वेश्चन हो गई। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला चीज है कि इसकी बेसिक चीजें समझिए कि बेसिकली इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। अगर सबसे ज्यादा अभी ब्लड रिलेशन में क्वेश्चंस आ रहा है तो कोडेड रिलेशनशिप से ही क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहले इसकी बेसिक चीजें समझते हैं। देखिए इसके करेंगे कैसे, कैसे निकालना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के फॉर्मेट आप देखें। अब इसे करने के लिए हम 3 चीजों का यूज करते हैं, वो 3 चीज कैसे करते हैं ये आप देखिएगा। जैसे देखिए सबसे पहला चीज आपको क्या दे रखा है कि क्वेश्चन क्या पूछा है कि देन, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला चीज है कि इसमें 3 चीजें हैं और 3 चीजों के अकॉर्डिंग हम इसे या तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं या फिर उसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकालते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है ये पॉइंट है कि चेक मेल और फीमेल। जो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है कि चेक मेल और फीमेल, ये कहने का ये मतलब है कि जैसे देखिए क्वेश्चन आपसे क्या लिख रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एल इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ ओ, यानी सिंपल क्या बोल रहा है कि एल दादाजी होना चाहिए ओ का। अगर एल दादाजी होना चाहिए तो एल के लिए बिल्कुल क्लियर है कि एल क्या होना चाहिए, मेल मेंबर होना चाहिए। ओ इसका ग्रैंडसन भी हो सकता है, ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है, ओ का हमारे पास क्लियर नहीं है कि ओ मेल है या फीमेल है, बट एल के लिए बिल्कुल क्लियर है कि एल जब भी होना चाहिए मेल मेंबर होना चाहिए। यानी इन 4 ऑप्शन में जो 4 इक्वेशन दिया हुआ है इसमें जिसमें भी एल का मेल मेंबर आ रहा है वही ऑप्शन आपका सही होगा, जिसमें फीमेल आ जाए या जिसमें एल का मेल या फीमेल निकाल ही नहीं पाए उस ऑप्शन को आप इलिमिनेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं पहला ऑप्शन में देख रहा हूँ, देखिए L क्रॉस R, यहाँ पे देखिएगा A क्रॉस B का मतलब क्या दिया है कि A इज फादर ऑफ B, दैट मीन्स L क्रॉस R का मतलब क्या होगा, L इज फादर ऑफ R। तो यहाँ L फादर बोला यानी L का ये बिल्कुल क्लियर है कि L जब भी होगा क्या होगा, मेल मेंबर होगा। इसमें देखिए L के साथ क्या दिया है, L प्लस P, A प्लस B का मतलब क्या दे रखा है कि A इज मदर ऑफ B, यानी L प्लस P का मतलब क्या होगा, L इज मदर ऑफ P। तो L मदर बोला, जैसे ही L मदर बोला यहाँ L का क्या आ गया आपका, फीमेल। यानी बाकी कोई ऑप्शन हो ये सेकेंड ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन कभी नहीं होगा क्योंकि L बोल रहा था कि पैटर्नल ग्रैंडफादर होना चाहिए और पैटर्नल ग्रैंडफादर कभी भी फीमेल नहीं होंगे। तो सबसे पहला चीज आप ये मेल फीमेल चेक कीजिएगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन इलिमिनेट हो जाए मेल फीमेल चेक करके ही, या फिर कुछ ऑप्शन आपकी इलिमिनेट हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम आप ये कीजिएगा। सेकंड जो इसका टाइप है, सेकंड जो चीज चेक करते हैं वो देखिए मैंने लिख रखा है कि चेक जनरेशन गैप। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ चेक जनरेशन गैप। अब जनरेशन गैप में हम क्या चेक करते हैं, अगर यहां देखेंगे तो यहां लिखा हुआ कि mother/father to son/daughter, मदर और फादर का उसके बच्चों के साथ अगर रिश्ता देखना हो तो एरो मार के लिखा हुआ +1 जनरेशन गैप, फिर son/daughter to mother/father -1 जनरेशन गैप, ब्रदर सिस्टर और हस्बैंड वाइफ के लिए लिखा हुआ 0 जनरेशन गैप,
बस इसमें आप इस चीज को समझिए कि अगर आप अपने माँ बाप को देख रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स आपसे एक जनरेशन पीछे के होंगे। इसलिए मैंने वहां लिखा है -1 जनरेशन गैप। लेकिन आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स अगर आपको देख रहे हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से एक जनरेशन आगे के होंगे, इसलिए वो +1 जनरेशन गैप। लेकिन ब्रदर सिस्टर और हस्बैंड वाइफ सेम जनरेशन के होते हैं, उन लोगों के बीच में जनरेशन गैप नहीं होता है, इसलिए 0 जनरेशन गैप। इस चीज को इम्प्लीमेंट हम कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहला चीज, क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एल इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ ओ। पैटर्नल ग्रैंडफादर बोल रहा है, यानी फादर के फादर, तो फादर तक के लिए +1 जनरेशन गैप, और फादर के फादर अगेन +1, यानी एल और ओ के बीच में जो जनरेशन गैप आना चाहिए, यह आना चाहिए +2 का। यानी जिस भी इक्वेशन में एल और ओ के बीच में जनरेशन गैप +2 हो रहा है, वही ऑप्शन आपका हो सकता है, जिसमें +1 या +3 या फिर 0 जनरेशन गैप आ जाए, उन ऑप्शंस को आप इलिमिनेट कर सकते। तो जैसे देखिए, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में एल और ओ के बीच में अगर जनरेशन गैप देखेंगे, तो देखते हैं कि कितना जनरेशन गैप आ रहा है। देखिए, एल के साथ यहां दिया है क्रॉस, एल के साथ दिया है क्रॉस, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए इज फादर ऑफ बी, यानी एल क्रॉस आर का मतलब क्या होगा, एल इज फादर ऑफ आर। एल फादर बोला तो यहां जनरेशन गैप कितना आया, +1 का। फिर आगे बढ़ना है तो यहां माइनस है, ए माइनस बी का मतलब क्या दिया, ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो यहां आर माइनस एम का क्या मतलब होगा, आर इज सिस्टर ऑफ एम, तो सिस्टर बोला, यानी फिर से 0 जनरेशन गैप। फिर यहां डिवाइड है, डिवाइड का मतलब क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ब्रदर बोला, यानी एम डिवाइड के का मतलब हो गया एम इज ब्रदर ऑफ के, तो ब्रदर बोला, तो फिर से जनरेशन गैप कितना आ गया, 0। फिर से यहां डिवाइड है, यानी फिर से ब्रदर, यानी इसमें भी 0। यानी इस गिवन इक्वेशन में अगर एल और ओ के बीच में टोटल जनरेशन गैप देखें, तो आ रहा है आपका कितना, +1, जबकि रिक्वायरमेंट कितनी की थी, +2 की। इसलिए ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी आपका मेल फीमेल से ही इलिमिनेटेड था। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, देखिए यहाँ क्रॉस है, क्रॉस यानी फादर यानी +1। फिर यहाँ प्लस है, प्लस का मतलब मदर, यानी मदर और फादर दोनों के लिए +1। फिर से क्रॉस यानी फिर से फादर यानी +1। डिवाइड यानी ब्रदर यानी 0। इसमें कितना आ गया, +3 जनरेशन गैप। एल और ओ के बीच में कितना जनरेशन गैप आया, तो +3। तो ये भी ऑप्शन आपकी इलिमिनेट हो गई। जब तीन ऑप्शन इलिमिनेट हो गया, चौथा तो आंसर होगा ही, लेकिन फिर से अगर देखना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ क्रॉस है यानी फादर यानी +1, डिवाइड यानी ब्रदर यानी 0, फिर से क्रॉस यानी फिर से फादर +1, फिर से डिवाइड यानी 0, इसमें कितना आ रहा है, +2 जनरेशन गैप। तो कुछ ऑप्शन होंगे आपका मेल फीमेल से इलिमिनेट हो जाएंगे, कुछ होंगे जो आपका जनरेशन गैप के हिसाब से इलिमिनेट हो जाएगा, और अगर फिर भी बच रहा हो, तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका पूरे ब्लड रिलेशन में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, ड्रॉ फैमिली ट्री। देखिए इसमें आपको क्या लिखा हुआ कि वर्टिकल एंड डायगोनल लाइन शुड बी यूज टू रिप्रेजेंट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। यानी ये वर्टिकल लाइन यानी सीधी रेखा और ये तिरछी रेखा का यूज हम करेंगे पेरेंट्स का चाइल्ड का रिलेशनशिप से। यानी अगर मान लीजिए ऊपर मदर फादर हुए, इसका एक बच्चा हुआ, तो ये वर्टिकल लाइन से शो करेंगे, दो तीन बच्चे हुए तो ये वर्टिकल और डायगोनल लाइन से शो करेंगे। अगर ये मदर फादर बना तो ये इसका बच्चा शो हो रहा है, ये मदर फादर बना तो ये इसका बच्चा शो हो रहा है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि पेरेंट्स ऊपर रहेंगे और बच्चे नीचे स्प्लिट होते रहेंगे, ठीक है? तो जहां पे भी पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में रिलेशनशिप शो करना, हम ये सीधी रेखा या फिर ये वर्टिकल या डायगोनल लाइन का यूज करेंगे। सेकेंड पॉइंट लिख रहा है डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी इस सिंबल का यूज, इस सिंबल का यूज हम करते हैं मैरिज के लिए। यानी हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर रिलेशनशिप शो करना हो, या फिर मदर फादर के बीच में रिलेशनशिप शो करना हो, हम ये डबल हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ये डैश लाइन आपको दे रखा है, डैश लाइन ब्रदर और सिस्टर के बीच के रिलेशनशिप शो करेगा। कहीं पे भी ब्रदर सिस्टर के बीच का रिलेशनशिप शो करना हो, तो हम डैश लाइन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है पुट प्लस साइन बिफोर समवन हु इज मेल, यानी प्लस साइन मेल के लिए यूज करेंगे और माइनस साइन फीमेल के लिए यूज करेंगे, ठीक है? और जहां पे किसी का मेल फीमेल डिफाइन नहीं हो रहा हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क करेंगे। जैसे सपोज मैं एक फैमिली ट्री ड्रॉ कर रहा हूं, इसमें देखिए कि ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। देखिए इसमें ए के आगे प्लस है, यानी ए आपका क्या है, मेल मेंबर है।
ये वाला साइन मैरिज को शो कर रहा है, नहीं है कि मैरिज हुई है बी के साथ। ये वर्टिकल और डायगोनल लाइन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, यानी इन दोनों के दो बच्चे हैं, सी इसका सन है और डी इसकी डॉटर है। अब जो डी इसकी डॉटर थी उसकी मैरिज हुई है ई के साथ, और इसका एक डॉटर है आर, और जो इसकी डॉटर आर थी इसका एक ब्रदर है जेड, क्योंकि ये वाला साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा, ब्रदर सिस्टर को, और एक सिस्टर है के। तो बेसिकली के और जेड भी इन्हीं दोनों के बच्चे हो गए। अब बेसिकली ये फैमिली ट्री हम ड्रॉ कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है जानना कि किसी भी इक्वेशन का हम ये फैमिली ट्री ड्रॉ कैसे करते हैं। देखिए अगर मुझे फर्स्ट इक्वेशन का अगर फैमिली ट्री ड्रॉ करना हो तो देखिए कैसे करेंगे। एल के साथ दिया है क्रॉस आर, यानी एल क्रॉस आर, यहाँ ए क्रॉस बी का मतलब क्या दिख रहा है, ए इज फादर ऑफ बी, यानी एल क्रॉस आर का मतलब क्या होगा, एल इज फादर ऑफ आर। तो एल फादर बोला तो एल के लिए बिल्कुल क्लियर हो गया कि एल क्या है, मेल मेंबर है। फादर ऑफ आर बोला तो आर इसका बच्चा होगा, इसलिए मैंने ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप लगाया, आर नीचे आया। आर के साथ दिया माइनस, माइनस का मतलब क्या है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, यानी आर माइनस एम का मतलब क्या होगा, आर इज सिस्टर ऑफ एम। आर सिस्टर बोला फीमेल डाले, ये ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप डाले, और ये एम, एम के साथ क्या दिया डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी एम डिवाइड की का मतलब क्या होगा, एम इज ब्रदर ऑफ के। तो फिर से ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप डाला, इसलिए ये ब्रदर का रिलेशनशिप डालें, फिर के डिवाइड ओ, यानी के इज ब्रदर ऑफ ओ। जैसे ही आप ये फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे ऑटोमेटिक आपको सारे किसी का भी किसी से रिलेशनशिप देखना हो, ये सारे रिलेशनशिप विजिबल दिख रहे हैं, इन सब के बीच में रिलेशन क्या आ गया, ब्रदर सिस्टर का, और अगर आर के फादर एल हैं तो इन सबों के फादर एल होंगे, यानी इस गिवन इक्वेशन में एल और ओ के बीच में जो रिलेशन दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, ये फादर का दिख रहा है, जबकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, पैटर्नल ग्रैंडफादर का। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन का देखते हैं, आर के साथ क्रॉस है यानी आर इज फादर ऑफ एल, एल के साथ फिर प्लस है यानी एल इज मदर ऑफ पी, मदर बोला फिर से पेरेंट चाइल्ड, और ये पेरेंट चाइल्ड पी के साथ डिवाइड है यानी पी इज ब्रदर ऑफ के, के के साथ माइनस यानी के इज सिस्टर ऑफ ओ। इस गिवन इक्वेशन में अगर हम एल और ओ के बीच में रिलेशन देखेंगे तो यहां पे क्या आ रहा, एल इज मदर ऑफ ओ, ठीक है। इसी तरह थर्ड इक्वेशन का अगर हम देखते हैं, देखिए एल के साथ क्रॉस दिया यानी एल इज फादर ऑफ आर, एल इज फादर ऑफ एम, एम के साथ प्लस दिया यानी एम इज मदर ऑफ आर, फिर आर के साथ फिर क्रॉस दिया यानी आर इज फादर ऑफ के, के के साथ डिवाइड यानी के इज ब्रदर ऑफ ओ। इस गिवन इक्वेशन में अगर एल और ओ के बीच में देखिएगा रिलेशनशिप तो क्या दिख रहा है, ग्रेट ग्रैंड का रिलेशनशिप आ रहा है। इसी तरह ये लास्ट वन देखते हैं, एल के साथ क्रॉस दिया यानी एल इज फादर ऑफ आर, आर के साथ डिवाइड दिया यानी आर इज ब्रदर ऑफ एम, एम के साथ क्रॉस दिया यानी एम इज फादर ऑफ के, के के साथ डिवाइड दिया यानी के इज ब्रदर ऑफ ओ। इस इक्वेशन में अगर देखें तो ये दोनों ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप आ रहा है, और अगर के फादर एम हैं तो ओ के भी फादर एम होंगे, फिर एम और आर जो हैं ब्रदर्स हैं, आर के फादर एल हैं तो एम के भी फादर एल होंगे, यानी ओ के फादर एम और एम के फादर एल। तो ये तीन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में हम मेल फीमेल से एलिमिनेट कर लेते हैं, फिर भी अगर बच रहा हो तो उसे जनरेशन गैप के हिसाब से एलिमिनेट कर लीजिए या फिर फैमिली ट्री ड्रॉ कर लीजिए। अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लेते हैं, और जब क्वेश्चन में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इन तीनों चीज़ों को, तब आपको ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली हम इन तीनों चीज़ों को, जैसे हम पहले क्या कर रहे हैं, मेल फीमेल चेक कर रहे हैं, फिर जनरेशन गैप का हिसाब से चेक कर रहे हैं, और फिर फैमिली ट्री ड्रॉ कर रहे हैं। तो इन तीनों चीज़ों को हम क्वेश्चन में कब कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जानना। तो देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ देखिए अब आपके पास डायरेक्शन चेंज है। यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया है कि ए डॉलर बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी, हैज का मतलब दिया ए इज सन ऑफ बी, परसेंट का मतलब दिया ए इज फादर ऑफ बी, और स्टार का मतलब दिया ए इज सिस्टर ऑफ बी। इसके बाद इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप टी इज ब्रदर ऑफ एच। यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है, टी इज, टी इज ब्रदर ऑफ एच, ठीक है। ये किस इक्वेशन में आपको दिख रहा है, इक्वेशन जो आपके पास है, इक्वेशन देखिए ये चार इक्वेशन आपके पास दिख रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम पहला ऑप्शन लगाते हैं, सबसे पहले मुझे क्या चेक करना,
तो मेल फीमेल से हम इलिमिनेट करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि चार ऑप्शन है, तो सबसे पहले मेल फीमेल से इलिमिनेट करने देखते हैं कितने ऑप्शन इलिमिनेट होते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, टी इज ब्रदर ऑफ एच। जैसे ही ब्रदर बोला, ऑब्वियस बात है टी का बिल्कुल क्लियर है कि टी जब भी होगा क्या होगा, तो मेल मेंबर होगा। एच इसका ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकती है। एच का हमारे पास क्लियर नहीं है कि एच मेल है या फीमेल है, लेकिन टी का बिल्कुल क्लियर है कि टी मेल मेंबर होना चाहिए। यानी इसमें से वही ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें टी का मेल मेंबर आए, जहां टी का फीमेल आए या जहां टी का मेल या फीमेल डिफाइन ही ना हो पाए उसे आप इलिमिनेट कर सकते हैं। तो जैसे पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि टी मेल है या फीमेल है, टी के साथ क्या दिया है, परसेंट एम, परसेंट के। यहां देखिए ए परसेंट बी का मतलब क्या लिखा है, ए इज फादर ऑफ बी, यानी टी परसेंट के का मतलब क्या होगा, टी इज फादर ऑफ के। टी फादर बोला तो टी का बिल्कुल क्लियर है कि टी मेल मेंबर है, यानी पहला ऑप्शन होने की पॉसिबिलिटी है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, टी स्टार एच दिया है, ए स्टार बी का मतलब देखिए यहां लिखा हुआ है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, यानी टी स्टार एच का मतलब क्या होगा, टी इज सिस्टर ऑफ एच। टी सिस्टर बोला, यहां टी का क्या आ गया, फीमेल आ गया, यानी बाकी कोई ऑप्शन हो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। इसमें टी लास्ट में दिया है और दिया के परसेंट टी, ए परसेंट बी का मतलब देखिए ए इज फादर ऑफ बी दिया है, यानी के परसेंट टी का मतलब क्या होगा, के इज फादर ऑफ टी। के फादर बोला, के का तो क्लियर हो रहा है कि के मेल मेंबर है, लेकिन टी उसका सन भी हो सकता है और डॉटर भी हो सकता है। दैट मीन्स यहां टी का बिल्कुल डेफिनेट क्लियर नहीं है कि ये टी मेल मेंबर ही होगा, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टी बिल्कुल डेफिनेटली है कि टी मेल मेंबर आना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन आपने इलिमिनेट कर लिया। यहां फिर देखिए के पर्सन टी, यानी के इज फादर ऑफ टी, लेकिन टी उसका सन भी हो सकता है और डॉटर भी हो सकती है, यानी ये भी ऑप्शन आपके इलिमिनेट हो गए। तो देखिए केवल मेल फीमेल ही मैंने चेक किया तो तीन ऑप्शन आपके इलिमिनेट हो गई। अगर चार ऑप्शन हो तब तो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा ही होगा, लेकिन मान लीजिए नन ऑफ दीज भी दे दें तो फर्स्ट ऑप्शन को आप फैमिली ट्री ड्रॉ करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए ए स्टार बी, स्टार का मतलब क्या लिखा हुआ, ए इज सिस्टर ऑफ बी, यानी एच इज सिस्टर ऑफ टी। फिर टी के साथ परसेंट दिया है, यानी टी इज फादर ऑफ के। अब देखिए यहां टी इज ब्रदर ऑफ एच दिख रहा है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या आ रहा है, ब्रदर सिस्टर, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए काफी आसानी से केवल मेल फीमेल से ही ऑप्शन आपका निकल के चला आया। नेक्स्ट ऑप्शन में देखिएगा, आपको एक ही इक्वेशन दे रखा है और ये इक्वेशन है एच स्टार टी हैज है परसेंट एल। इसमें बोल रहा है कि हाउ इज एच रिलेटेड टू एल, यानी एच का एल के साथ क्या रिलेशन है। जब आपको सिंगल इक्वेशन का केस दे, आप बाकी मेल फीमेल या फिर आप जनरेशन गैप इसमें मत लगाइएगा। जब सिंगल इक्वेशन का केस दे तो सिंपल उसका फैमिली ट्री, उस इक्वेशन का फैमिली ट्री ड्रॉ कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपको सारे क्वेश्चन के आंसर दिख जाएंगे। जैसे देखिए H के साथ स्टार दिया है, सीधे फैमिली ट्री में ड्रॉ कर देता हूं इसका, ठीक है। स्टार का मतलब क्या है कि A इज सिस्टर ऑफ B, यानी यहां पे क्या है, H इज सिस्टर ऑफ T, ये ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप डाले। T T के साथ हैश है, A हैश B का मतलब देखिए A इज सन ऑफ B, यानी T इज सन ऑफ F। T सन बोला तो ये मेल मेंबर डाले, सन ऑफ F यानी पेरेंट्स होंगे, तो ये पेरेंट्स हमेशा मैंने बोला था कि पेरेंट्स ऊपर रहने, तो F इसके पेरेंट्स हुए तो F ऊपर ले गया। F के साथ परसेंट दिया है तो F इज फादर ऑफ L। अब देखिए T सन है F का और F फादर है L का, यानी T और L के बीच में रिलेशन क्या आएगा, तो ब्रदर सिस्टर का। तो अब इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या आ रहा है, ब्रदर सिस्टर, और तीनों के फादर कौन है, एफ। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ इज एच रिलेटेड टू एल। एच देखिए यहां पे फीमेल है, यानी एच एल की क्या होगी, तो सिस्टर होगी। अगर इसी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि हाउ इज एल रिलेटेड टू एच, तो L का देखिए यहाँ ये ब्रदर भी हो सकता है इसका और सिस्टर भी हो सकता है। इस केस में अगर आप केवल सिस्टर या केवल ब्रदर मार्क करेंगे तो गलत होगा, एक ऑप्शन आएगा आपको ब्रदर स्लैश सिस्टर करके, तो आप इसे मार्क करेंगे उस केस में, अदरवाइज आप इसमें जवाब देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इस गिवन क्वेश्चन का आंसर है आपका सिस्टर, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ इज एच रिलेटेड टू एल। तो देखिए सिंपल, जब सिंगल इक्वेशन का केस दे उसका हम सीधे फैमिली ट्री ड्रॉ कर लेंगे, बाकी उसमें कोई भी ऑप्शन तीन सेकंड फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन लगाने की आपको जरूरत नहीं है।
ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप आर इज मदर ऑफ जे। तो आर मदर बोल रहा है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बिल्कुल क्लियर है कि आर का क्या आना चाहिए, फीमेल मेंबर आना चाहिए। देखते हैं इसमें, देखिए आर मेल या फीमेल है। के डॉलर आर, ए डॉलर बी का मतलब क्या दिया हुआ, ए इज वाइफ ऑफ बी, यानी के इज वाइफ ऑफ आर। अगर के वाइफ है तो के का फीमेल है, लेकिन आर उसका क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। तो यहाँ आर का क्या आ गया, मेल मेंबर आ गया, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। यहाँ आर डॉलर के दिया है, यानी आर इज वाइफ ऑफ के, यानी यहाँ आर का फीमेल आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन हो सकता है आपका। थर्ड ऑप्शन आर के साथ हैश दिया है, ए हैश बी का मतलब क्या देखा हुआ कि ए इज सन ऑफ बी, यानी यहाँ पे भी आर का मेल मेंबर आ गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ आर डॉलर के दिया हुआ, यानी आर इज वाइफ ऑफ के, यानी या तो मेल फीमेल से एलिमिनेट किए, तो दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गया। अब या तो सेकेंड ऑप्शन होगा या फोर्थ ऑप्शन होगा। तो जब ऐसा सिचुएशन आए, किसी एक का फैमिली ट्री में ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लीजिए सेकेंड का हम फैमिली ट्री ड्रॉ करके देखते हैं। एम के साथ क्या दिया, स्टार, तो स्टार का मतलब क्या दिया हुआ, ए इज सिस्टर, तो एम इज सिस्टर ऑफ जे। जे के साथ दिया हैस, हैस का मतलब क्या है, तो ए इज सन ऑफ बी, यानी जे इज सन ऑफ आर। आर के साथ डॉलर दिया, यानी आर इज वाइफ ऑफ के, ठीक है, यानी के इसका हस्बैंड हो गया। तो यहीं पे देखिए आर इज मदर ऑफ जे, यहीं पे आपको दिख रहा है, यानी सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर है, फोर्थ तक आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बस इसी चीज को आपको सीखना है कि ये तीन चीजें मैंने बोला कि सबसे पहले मेल फीमेल से एलिमिनेट कर लिया, जनरेशन गैप या फिर फैमिली ट्री, मुझे कब कहाँ किस ऑप्शन को लगाना है। जब आप क्वेश्चन करते जाएंगे ऑटोमेटिक आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएगी कि मुझे कब किस ऑप्शन को कहाँ पे लगाना है। जैसे मैंने यहाँ मेल फीमेल से दो ऑप्शन पहले एलिमिनेट कर लिया, जो बचा उसका एक का फैमिली ट्री ड्रॉ कर लिया, ऑटोमेटिक मेरा आंसर निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए डायरेक्शन फिर से चेंज है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट एम इज नेफ्यू ऑफ एन। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि एम इज नेफ्यू ऑफ एन। एम नेफ्यू बोला तो नेफ्यू क्या होगा, मेल मेंबर, यानी एम भांजा भतीजा जगर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है एम का मेल मेंबर आना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि एम का मेल मेंबर किस में आ रहा है, के प्लस एम है, तो यहाँ पे देखिए ए पी प्लस क्यू का मतलब क्या दिया, पी इज फादर ऑफ क्यू, यानी के इज फादर ऑफ एम, लेकिन एम यहाँ पता नहीं चल रहा कि एम मेल है या फीमेल है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए यहाँ भी सेम चीज, के डिवाइड एम, ए पी डिवाइड क्यू का मतलब दिया पी इज मदर ऑफ क्यू, यानी के इज मदर ऑफ एम, के मदर तो है एम की, लेकिन एम उसका सन भी हो सकता है और डॉटर भी हो सकता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। के क्रॉस एम, क्रॉस बोला है, क्रॉस का मतलब पी क्रॉस क्यू का मतलब क्या दिया है कि पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, तो के इज ब्रदर ऑफ एम, के तो ब्रदर है, के मेल मेंबर है, लेकिन एम उसका ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है। तो देखिए तीन ऑप्शन तो हमारे इलिमिनेट हो चुके हैं। चौथा देखते हैं, यहाँ एम का मेल है या फीमेल है, के एम क्रॉस टी, पी क्रॉस क्यू, यानी एम इज ब्रदर ऑफ टी, पी जैसे यहाँ देखा हुआ क्या, P क्रॉस Q का मतलब P इज ब्रदर ऑफ Q, तो M क्रॉस T का मतलब M इज ब्रदर ऑफ T, तो यहाँ M का मेल मेंबर आ रहा है, यानी या तो D ऑप्शन होगा या E ऑप्शन होगा। तो एक का फैमिली ट्री ड्रॉ कर लेते हैं। माइनस दिया है, माइनस का मतलब क्या है, P इज सिस्टर, तो यहाँ N इज सिस्टर ऑफ K, K के साथ दिया प्लस, प्लस का मतलब क्या दिया, फादर, तो K इज फादर ऑफ M, M के साथ दिया क्रॉस, यानी M इज ब्रदर ऑफ T। अब देखें यहाँ M इज नेफ्यू ऑफ N दिख रहा है, क्योंकि N का भाई है K और K का बेटा है M, तो M इज नेफ्यू ऑफ N, तो ये D नंबर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा कि हाउ इज T रिलेटेड टू D इन द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में T का D के साथ क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले जब सिंगल इक्वेशन का केस दे, फैमिली ट्री ड्रॉ कर लीजिए, तो इसका फैमिली ट्री मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। H के साथ प्लस दिया है, अब देखिए P प्लस Q का मतलब क्या दिया है, P इज फादर ऑफ Q, तो H इज फादर ऑफ T, T के साथ दिया डिवाइड, डिवाइड का मतलब दिया मदर, तो T इज मदर ऑफ R, R के साथ दिया माइनस, माइनस का मतलब दिया सिस्टर, तो R इज सिस्टर ऑफ D। तो हाउ इज T रिलेटेड टू D, D का D के साथ क्या रिलेशन आ रहा है, तो T क्या है इसकी, मदर दिख रही है,
और मदर इसमें ऑप्शन में कोई भी नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स इसका आंसर होगा ई, दैट मीन्स नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एफ इज डॉटर ऑफ डब्ल्यू, एफ डॉटर आना यानी एफ का फीमेल आना चाहिए, तो देखते हैं एफ का फीमेल किस में है। आर प्लस एफ दिया है फर्स्ट ऑप्शन में, तो पी प्लस क्यू का मतलब क्या दिया, पी इज फादर ऑफ क्यू यानी आर इज फादर ऑफ एफ, लेकिन एफ उसका सन भी हो सकता है और डॉटर भी हो सकता है। एफ का यहाँ क्लियर नहीं है कि एफ मेल है या फीमेल है, इसलिए मैंने इसे इलिमिनेट कर दिया। आर क्रॉस एफ, पी क्रॉस क्यू का मतलब पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, तो आर इज ब्रदर ऑफ एफ, लेकिन एफ उसका सन भी, ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकती है, तो इसमें भी एफ का क्लियर नहीं है कि एफ मेल है या फीमेल है। एफ के साथ दिया माइनस, माइनस का मतलब क्या है, पी इज सिस्टर ऑफ क्यू यानी एफ इज सिस्टर ऑफ टी, यहाँ पे एफ का फीमेल आ रहा है यानी सी ऑप्शन आपका हो सकता है। यहाँ देखिए एफ के साथ प्लस दिया है, तो पी प्लस क्यू का मतलब क्या है कि पी इज फादर ऑफ क्यू यानी एफ इज फादर ऑफ टी, यानी ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, एफ का यहाँ मेल मेंबर आ गया, तो फीमेल केवल एक ही में आ रहा है। अब या तो सी होगा या नन ऑफ दीज होगा, तो इसका हम फैमिली ट्री ड्रॉ कर लेते हैं। डब्ल्यू के साथ प्लस दिया है, ठीक है, प्लस का मतलब क्या है, तो फादर, तो डब्ल्यू इज फादर ऑफ आर। आर के साथ दिया क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या दिया, ब्रदर, तो आर इज ब्रदर ऑफ एफ। एफ के साथ दिया माइनस, माइनस का मतलब दिया सिस्टर, तो एफ इज सिस्टर ऑफ टी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था एफ इज डॉटर ऑफ डब्ल्यू, यहाँ देखिए ये तीनों के बीच में ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप आ रहा है, और अगर आर के फादर डब्ल्यू हैं तो एफ के भी फादर डब्ल्यू होंगे, यानी सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस एक्सप्रेशन में बोल रहा है कि हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, तो जब सिंगल इक्वेशन दें सिंपल उसका फैमिली ट्री ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए पी के साथ दिया है डिवाइड, ए डिवाइड बी का मतलब दिया ए इज मदर ऑफ बी यानी पी इज मदर ऑफ आर, मदर बोला पी का फीमेल डाले और ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आर। आर के साथ दिया है माइनस, माइनस का मतलब क्या दिया, ए इज ब्रदर ऑफ बी यानी आर इज ब्रदर ऑफ क्यू, ठीक है, तो यहाँ आर इज ब्रदर ऑफ क्यू ड्रॉ किए। क्यू के साथ क्रॉस दिया, क्रॉस का मतलब क्या दिया, ए इज फादर ऑफ बी यानी क्यू इज फादर ऑफ टी। अब यहाँ पे क्या पूछा था, हाउ पी इज रिलेटेड टू टी, तो देखिए पी का सन है आर और ये दोनों ब्रदर्स हैं और इसका बच्चा है टी, यानी पी क्या होंगी, तो ग्रैंड मदर, ठीक है, तो ग्रैंड मदर इसमें पहला ही ऑप्शन है, वो सही आंसर है आपका। नेक्स्ट देखिएगा, एक ही क्वेश्चन दे रखा है और बोल रहा है कि हाउ इज टी रिलेटेड टू क्यू, तो सिंपल एक ही क्वेश्चन है, फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं। पी के साथ दिया डिवाइड, डिवाइड का मतलब दिया है पहले मदर, तो पी इज मदर ऑफ क्यू। क्यू के साथ दिया प्लस, प्लस का मतलब क्या है, डॉटर, ए इज डॉटर ऑफ बी यानी क्यू इज डॉटर ऑफ आर, तो क्यू डॉटर बोला फीमेल और ये आर ऊपर चला गया। अब देखिए पी मदर है क्यू की और क्यू डॉटर है आर की, यानी पी और आर के बीच में रिलेशन क्या आ गया, हस्बैंड वाइफ का, तो ये पी फीमेल है तो आर क्या होगा, मेल मेंबर होगा। अब आर के साथ क्रॉस दिया, क्रॉस का मतलब क्या दिया, ए इज फादर ऑफ बी यानी आर इज फादर ऑफ टी, यानी क्यू और टी के बीच में अब रिलेशन क्या हो गया, तो ब्रदर और सिस्टर का। क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ इज टी रिलेटेड टू क्यू, तो टी का क्यू के साथ क्या रिलेशन होगा, टी इसका ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकती है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, या फिर अगर एक ऑप्शन होता ब्रदर स्लैश सिस्टर करके तो उसे आप मार्क करते हैं, इसमें आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट में बोल रहा है कि आर इज वाइफ ऑफ पी आना चाहिए, देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो आर वाइफ बोला यानी आर का फीमेल आना चाहिए। इसमें देखते हैं आर के साथ माइनस दिया, माइनस का मतलब क्या है, तो ब्रदर है, ए इज ब्रदर ऑफ बी यानी आर इज ब्रदर ऑफ टी, फर्स्ट ऑप्शन खत्म। आर के साथ यहाँ माइनस दिया, माइनस का मतलब क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, यहाँ भी मेल मेंबर आ रहा है ये भी खत्म, यहाँ भी आर के साथ माइनस दिया यानी ये भी मेल आ रहा है ये भी खत्म, यहाँ पे आर के साथ माइनस नहीं आया है, इस ऑप्शन को केवल चेक कर लेते हैं, तो या तो डी होगा या ई नन ऑफ दीज होगा। तो देखिए सिंपल इस ऑप्शन का हम फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं। पी के साथ दिया है क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या दिया है, ए इज फादर ऑफ बी यानी पी इज फादर ऑफ टी। टी के साथ माइनस दिया है, माइनस का मतलब क्या है, ब्रदर, तो टी इज ब्रदर ऑफ क्यू। क्यू के साथ दिया प्लस, प्लस का मतलब क्या है, डॉटर, तो क्यू इज डॉटर ऑफ आर। अब देखिए
पी फादर है टी के और टी और क्यू ब्रदर सिस्टर्स हैं और क्यू डॉटर है आर की, यानी पी और आर क्या होंगे हस्बैंड वाइफ, तो पी हस्बैंड है तो ये क्या होंगी वाइफ होंगी। तो यहाँ देखिए आर इज मदर ऑफ क्यू आ रहा है आपका, आर इज वाइफ ऑफ पी आ रहा है, आर इज मदर ऑफ क्यू भी है और आर इज वाइफ ऑफ पी है, तो आपको आर इज वाइफ ऑफ पी चाहिए था, यानी है डी नंबर आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सिंगल इक्वेशन दिया, पूछा हाउ जे इज रिलेटेड टू आर, तो सिंपल इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं, माइनस दिया है, माइनस का मतलब क्या दिया है, ए इज ब्रदर ऑफ बी तो आर इज ब्रदर ऑफ पी, पी के साथ डिवाइड दिया, डिवाइड का मतलब क्या है मदर, तो पी इज मदर ऑफ जे, जे के साथ दिया क्रॉस, क्रॉस का मतलब देखिए क्या है फादर, तो जे इज फादर ऑफ क्यू। ठीक है, तो हाउ जे इज रिलेटेड टू आर, जे का आर के साथ क्या रिलेशन आ रहा है, तो जे यहां देखिए आर ब्रदर है पी की और पी का बच्चा है, पी का बेटा है जे, यानी जे इज नेफ्यू ऑफ आर। ठीक है, तो यहां पे आएगा नेफ्यू, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट में फिर सिंगल इक्वेशन दिया, पूछा कि हाउ टी इज रिलेटेड टू पी, तो सिंपल फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं, देखिए पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू का मतलब क्या है पी इज डॉटर ऑफ क्यू, क्योंकि ठीक है ए प्लस बी का मतलब ए इज डॉटर ऑफ बी, तो पी प्लस क्यू का मतलब पी इज डॉटर ऑफ क्यू, तो पी को फीमेल डालें और क्यू इसके पेरेंट्स होंगे, क्यू के साथ दिया माइनस, माइनस का मतलब क्या है तो ब्रदर, तो क्यू इज ब्रदर ऑफ आर। ठीक है, आर के साथ दिया डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है मदर, तो आर इज मदर ऑफ टी। ठीक है, अब ये पूछ रहा कि हाउ इज टी रिलेटेड टू पी, टी और पी के बीच में रिलेशन क्या है, देखिए ये दोनों भाई बहन हैं तो ये दोनों क्या होंगे आपका कजन होंगे, क्योंकि ये ब्रदर सिस्टर मत बोल दीजिएगा क्योंकि यहाँ हस्बैंड वाइफ नहीं है, ये दोनों, ये इन दोनों भाई बहन का बच्चा है तो ये दोनों क्या होंगे कजन। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका कजन। ठीक है, हाउ इज आर रिलेटेड टू पी, तो सीधे ड्रॉ कर लेते हैं, पी के साथ दिया क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या है फादर, तो पी इज फादर ऑफ टी, टी के साथ फिर दिया डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है मदर, तो टी इज मदर ऑफ क्यू, क्यू के साथ दिया प्लस, प्लस का मतलब क्या है डॉटर, तो क्यू इज डॉटर ऑफ आर, यानी ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, आर इसका हस्बैंड हो गया। अब बोल रहा हाउ आर इज रिलेटेड टू पी, तो आर का पी के साथ क्या रिलेशन है आपका, आर देखिए ये बेटी और इसका हस्बैंड, यानी ये इसकी डॉटर का हस्बैंड हो रहा है, यानी हाउ इज आर रिलेटेड टू पी, तो आर इसका क्या होगा तो सन इन लॉ। ठीक है, तो देखिए कोडेड रिलेशनशिप में अगर ये तीन चीज़ें, यानी एलिमिनेशन मेथड में जैसे आप मेल फीमेल से एलिमिनेट कर लिए, जनरेशन गैप के हिसाब से एलिमिनेट कर लिए, और तीसरा अगर ये आपको फैमिली ट्री आ रहा है तो आपको कोडेड रिलेशनशिप के क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, तो आप इनके क्वेश्चंस करें, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चंस सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि और नेक्स्ट वीडियो जो है इसकी सेकेंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स पिक्चर और प्लस रिलेशनल पजल नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।